भाई आप दाना ना होए ए रंडी मुंडी चक्कर में हम पड़ गए भाई। आज कुल मिलाकर पैसा पावत रहे का करी यार। अब गाना ना होए, अब गाना ना होए, जवन गाना होए संगीत का भीतरे होए। हमारे चलते कौनो राजा महाराजा किए जैसे मेरे काका जी यहाँ, ये काका जी यहाँ परिवार है, इनके खिए माल हमका नौकरी मिल जाए तब ठीक बात। खैर इनके खिए हम कहा नौकरी करे, हम तेरे के लड़किया है। अब चलता है कौनो बहुत परिवार में नहीं खिए नौकरी करे संगीत बाबू। आप लोग के सामने प्रथम भाग स्टार्ट है, प्रथम भाग स्टार्ट है। आप लोग देखिएगा तो आनंद पाएंगे, आनंद के साथ साथ एक सीख पाएंगे। होशियार हवेली में बाबू साहब पधार रहे। हाँ भाई,
हमार भाई वो जोन रहा ना हमें थोड़ा काम के विषय में चला गया बहरे। अच्छा कहे कि तू चलत रहा पीछे लागा महू आवत है। बहुत सही, एक काम कर बे अपने भाई के मोबाइल पर फोन कर बे बोल के बाबू कंसराज इस वक्त उसका इंतजार। अब कहे बाबू साहब की जाय कौन सा परफ्यूम मारा है बेबी, ऐसा इत्र मारता है साला कि माला सेंट भी फेल हो जाता है। एक बात बता रहे हर अंदर हवेली में सबसे पहले किसे आना चाहिए बाबू साहब? आप सही कहा था, हवेली में सबसे पहले हमको गलत शब्द यूज करता है, गलत शब्द का परिणाम ऊपर वाला देता है। हर अंधेर में एक बार नहीं तुझे 2500 बार बोल चुका हूं कि हमारे हवेली के अंदर में खास तौर से हमारे सामने अब शब्द यूज नहीं करना है बे। ना करत, लेकिन जो वही कहा कि सजा जो देता है ऊपर वाला देता है, लेकिन बाबू साहब सजा जो देता है नीचे वाला देता है। अबे राठौर, नीचे वाले को सजा मिली है ना हमको बाबू साहब? हाँ मतलब कहने का मतलब सबसे पहले हमको आना चाहिए राजू कल से खेती खरीद लिया भाई। क्यों दिल्ली जाने के लिए एडी की खास जरूरत पड़ेगी बाबू साहब? हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। विलंब क्यों हुआ भाई? बाबू साहब हम लेट काहे भाई? लेट होने का कारण बाबू साहब आप भली भात जानता है, यानी कि साक्षात जानता है कि आप हमका जल्दी देते हैं। फूट जाए दिमाग एकदम फूट जाए। कहा कि मतलब हमका जल्दी आप छुट्टी नहीं देते, आप हमका अपने हवेली जल्दी छुट्टी देते नहीं। आज जब हमका देबो भैया छुट्टी, जब हमका देहा ना मोड़ बनाए के है, मोड़ बनाए के दांत बैठाए के खूब खिसिया के जब हमका तू देहा है छुट्टिया बटोल ले बाबू साहब दिल लगा था। जब छुट्टी दिया ना हम अपने घरे गए ना हमार मेरारू ऐसे खोल के बैठी का क्या वे खोल के बैठी हुई थी दरवाजा यार। अबे हराम खोल चले ऊंची आवाज में बात नहीं, दरवाजा खोल के बैठी रहा है। हम पहुंचे ना है हमके सास करैला के लम्मी तू कहा ही कहा सासो करैला के बाप देखा लागत बतहियावा में आइसक्रीम के फैक्ट्री खोले हैं शरवी ही से कहा था बाप अबे साले पापा पापा आ गया का फिर बाबू साहब बैठा है बोल 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 बैठा बैठा जानता हमारे कहा आए गया आपके यहाँ आई गए तो बाबू साहेब हमार बड़कवा लौंडवा कहूं गा रहा खेले कूदे मान लब थोड़ा सयान रहा
अब कुछ खेले गबई रहा होए हमार छोटकवा लौटा जो रासार कुर्सी बैठा रहा हमार छोटकवा लौटवा वह कुर्सी बैठा रहा तो हमारे पहुंचत मान हमसी नहीं कहे पापा पाव लागी नमस्कारी कुछ करे से नहीं हमारे गुस्सा लग गए हमारे गुस्सा लग गए हम के बेटा इधर आओ हम कहे बेटा इधर आओ दुई दाई बोलाए नहीं आए हम फिर गए हम कहे अबे इधर आबे इधर अबे डन 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 क्या बे तोर लौटवा नहीं कुर्सी पे तो मैं बैठा था इशारा मेरी तरफ कर रहा है बे तू अच्छा जब हम बात तोसी बतावत ही अपने घरे के बात तोसी बतावत ही फिर इशारा का हम गांव वाले से करे जा बे नहीं चाचा की तरफ करना चाहिए था फिर ताई सारो की करी बताओ तुम तो उसी कौनसी अब ए हरेंखर अपने बच्चे को बुलाया कि बेटे उठ जा हाँ हाँ भाई जा लाकाई दे हम जानते लाकाई दे तबाउ सार हमार लाउंडा सुने सुना है तबाउ सार नहीं सुने हम के बेटा इधर आओ फिर बोले के बेटा इधर आओ नहीं सुने हम क्या भोसड़ी की धारा बे करे हे सारे मारब तो सारा भी बोले वाला बर्तन तो हर जाए टूट गाली किसको दिए बे अपने लौंडे के लौंडे के लौंडे के अपने लौंडे के अपने बेटवा के अच्छा हां तमाम मेरा और खड़ी होई के का एक बात जान ले क्या बे एक बात जान ले हमारे कट बेटवा है अगर मेरे बेटो को उल्टा सीधा बोलो ठीक ना होए अच्छा हम के चल ठीक आप ना बोलत फिर तोर बेटवा हमार तो है ही ना हां हम के खैर कोनो बात नहीं है हां काय सारी बात छोड़ के ही बतावा हां काय बतावा तोरे बाबू साहब आवे कह रहे घरे काहे आए नहीं हम के करे हम आई यही तो से हमसे कोनो काम ना है बाबू साहब यही तब काम होए हम कहे बता तो से बाबू साहब से कौन काम बा कहा तो का मालूम हो चाहे कि हम अपन जोतवाई ले ही का जोतवाई ले बे अरे बाबू साहब खेत खेत काहे हम खेत जोतवाई ले ही अच्छा और साथे साथे हंगवाई ले ही यहाँ कहा है किस लिए कहा जवन बड़ा बड़ा मोथा रहा है वह बिनवाई ले ही चुक्कू उस्ताद है देख मत समझते जसवंत कहा पानी लगा रहे कहा खेत एकदम कंप्लीट करवाई ले ही अच्छा तोरे बाबू साहब घर ना आवे के भाई आए नहीं फिर हम के बाबू साहब आए के कर ही का एक ही आवे अच्छा हम के बाबू साहब ही आए कर ही का कहा तू जानत था खेत एकदम तैयार बा तैयार में ऊख बोआवे कहा अच्छा पंचौ ऊख हां हां ऊख बोआवे के बा खेत एकदम तैयार बा और तोरे बाबू साहब साहब आवे कर आए नहीं हम के का कर ही आए थे बाबू साहब का कर ही आए थे तो मेरा रुआ हमार कहा दिया तोरे बाबू साहब कुछ कर ही ना मेरा रुआ मार कहा दिया तोरे बाबू साहब कुछ कर ही ना जवन खेतवा बना है ओए खेतवा खड़ा ओ निहूर के जवन जवन खेतवा बना बा उखिया बोए वाला ओए खेतवा तोरे बाबू साहब निहूर के कुछ ना करी
कुछ करिए ना सिबुही निहुरे निहुरे गाना ही देवी बात आवा आवा तो हो नहीं है जाना ए धरे कबे कायदे कायदे के साथ ही रहा ना तो चमड़ी निकल जाए दिल्ली उठ पहुंच पाऊंगा तो कहो जसवंत गोबर फेंक के रह का हम सोचे गोबर फेंक के रह बाबू साहब सिर्फ ये इतनी बात रही कहने का मतलब गाना मतलब बाबू साहब ही गाना दे ही बस विशाल हाँ भैया चले आप लोग को मालूम होना चाहिए ऊख लगाई जाता है इसे भैया छोट छोट गाना ही गाना काट के लगाई जाता है चल सारी बात छोड़ एक काम कर तू आए हुए समस्त जनता जनार्दन माँ बहन बेटी भाभी करदार बच्चे सभी को अपना नाम और अपना पता बता दे बाबू साहब हमार नाम है नीरज हमार नाम है नीरज ग्राम राजे तारा पोस्ट बहुमा जिला प्रयागराज तहसील फूलपुर सिकंदरा रोड हम वही के निवासी है अबे साले की निवासी है वहाँ का निवासी है तो एक काम कर बरखुदार तेरा नाम है नीरज कुमार निवासी ग्राम सभा राजे तारा बहुआ माता झील फूलपुर जनपद प्रयागराज का है तो एक काम कर बरखुदार प्रेम से शांति के साथ कार्नर पर बैठ हम अपना परिचय स्वयं देते हैं कि हम आए कौन अच्छा बाबू साहब तोहार दिमाग खराब है का क्या बे हम कहे शांति के साथ है बैठी अबे साले हमारे कहने का तात्पर्य कि चुपचाप पर शांति अख्तियार रख जुबान बंद रख हम कहा सोचे कि शांति के साथ है बैठे अरे है सारे अगर शांति के साथ है बैठे के चक्कर चरा हुआ ना शांति निकल ही खाल पी सरा वही से टंडी तो तुहार दिमाग का ढक्कन खुल जाए बाबू साहेब ए चक्कर में पड़ा रहे है मेरा रू 2 महीना घर छोड़ के भाग गई रही चल बैठ जा एक काम कर ना बरखुरदर हमारे बोलते वक्त बीच में हमें डिस्टर्ब मत करना क्या अबे साले हम सांस लेने से मना नहीं कर रहे हैं तुझे बोलने से मना कर रहे हैं अबे साले सांस कायदे से बैठ जा चुपचाप अबे आवाज नहीं आनी चाहिए परमादड़ी गोरी गोरी गोरिया मोटकी कुकुरिया गोरी गोरी गोरिया मोटकी कुकुरिया चलली पुछिया उठार दे कि मुंह तुम्हारे टांगिया उठा कर सारे ये तो का हम कह रहे कि मुंह तुम्हारे टांगिया उठा अरे कर सारे आवाज नहीं आनी चाहिए चुपचाप कीप साइलेंस सीसी पछवारे भैंसा मार करे सारे यही मैं बोला हूं तुझे बोलने के लिए कहा हूं ना कि चुपचाप रहना आवाज नहीं निकलनी चाहिए नहीं साले खाल खींचना शुरू परमादड़ी
आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। लगता है जैसे पूरे ढाई की शादी है, आज मेरे संसार के ना ही धिकार की शादी है। अरे अरे सराउ मारब वो टूट जाए पाव रोटियां तो है। बैठे हिले में पर मदड़ी आगे हमारे जसवंत भैया और सास सासी भगवान ए जौन सी भगवान है नहीं तो नैया मंडी में रहा थी आलू बेचा थी ए निपोर आलू बेचा थी। अबे साले जी फोर गलत शब्द साला फिर यूज किया। दोनों साथी मिल के एक सौ रुपये देता है, कहा था तुहरे बाबू साहेब आई ना उनसी की फरमाइश कराए गए माई मुंगाली रे माई। बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी माँ बहन बेटी एवं भावी कर्धार बच्चों, आप सभी लोगों के समक्ष हम हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं कि अगर हमारे बोलने में या हमारे पार्टी के कलाकारों से बोलने में किसी भी बात की अगर त्रुटि निकल जाए तो अपना बच्चा अपना भाई अपना दोस्त समझ करके माँ, क्योंकि आप स्वयं ही दया की। साथियों अगर आप शांति अख्तियार रखेंगे तो इस बात का वादा मैं करता हूं कि सुबह का सूरज उगने के पहले एक ऐसी छाप छोड़ करके जाऊंगा कि व्हाट इज दिस नौटंकी होती। साथियों मैं कॉल कहां का रहने वाला क्या करता है और क्या करने जा रहा है, बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, कहां का बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, कंस राज्य हमारा नाम है और इस महफिल में आग लगा दूं यही हमारा। आज तलुक पंचो मोहन राय जान तेरे कमरे बाबू साहब की है नाम है कब बाबू साहब तुहार नाम लंठ राज है। लंठ राज नहीं साले कंस राज तू इन कहा ला बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, कंसराज हमारा नाम है और इस महफिल में आग लगा दूं यही हमारा काम है। स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर यारो मेरी पत्नी कमला रानी है, दोनों प्राणी मिलकर के करते धंधा मन। साथियों मैं कंसराज, मेरी धर्म पत्नी जिसका नाम है कमला रानी। साथियों आज से 20 वर्ष पहले की बात है, मैं जिला पटना से चल करके मैं आया जिला गाजीपुर में एक छोटा सा गांव जिसका नाम है विनय। विनयपुर में एक खेत थे जिनका नाम था शंकर लाल। शंकर लाल के पास शंकर लाल की धर्म
जिनका नाम था सुषमावती। सुषमावती के कोख से तीन औलाद पैदा हुए, दो बच्चे और एक बच्ची पैदा हुआ। बच्चे के पैदा होने के बाद ही शंकर लाल इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो। जब शंकर लाल इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हुए, उसके बाद ही अपनी एंट्री हुई विनयपुर में। विनयपुर में मैं पहुंचा शंकर लाल सेठ के हवेली पर। उनकी धर्म पत्नी सुषमावती थी। सुषमावती से हमारी नजर मिली, सुषमावती से हमारी नजर मिली, नजरों ही नजरों में हमसे और सुषमावती से। सुषमावती ये सोचने लगी कि हमारे बच्चे अनाथ हैं, हमारे बच्चों के पास उसके पिता नहीं है। अगर ये कंसराज से मैं मोहब्बत कर लेती हूं तो कम से कम बच्चों को जीने का एक सहारा। साथियों, सुषमावती से मैं प्यार करने लगा, बच्चे मुझे अपने पिताजी समझने लगे। बच्चे जब हमें अपने पिताजी समझने लगे तो हम एक दिन सुषमावती से बोले कि हे सुषमावती। सुषमावती बोलती है, बोलिए कंसराज। हमने बोला, सुषमावती ये जो तेरी रिहा रियासत है, ये सब हमारे नाम करते थे। सुषमावती हमारे बातों से इनकार कर गई। सुषमावती की बात सुनो और मुझे आ गया क्रोध आया, उठा लिया गया था और सुषमावती को सुषमावती को तीन भागों में विभाजित कर दिया। विभाजित करने के बाद एक बोरे में भरा। बोरे में भरने के बाद गांव के बाहर एक तालाब था, उसी तालाब में सुषमावती की लाश। सुषमावती की लाश को तालाब में दफन करने के बाद बच्चे जब हमसे पूछने लगे कि पिताजी हमारी माँ कहाँ गई, हमने बच्चों से बोल दिया कि बच्चे तेरी माँ सुषमावती ने आत्महत्या कर। बच्चे सोच लिया कि मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली, हमें अपना पिता और कमला रानी को अपनी माँ समझ में। धीरे धीरे बच्चे सयाने होने लगे, पढ़ाई लिखाई चालू रही। उसी पीरियड में बड़ा बेटा विनय कुमार मिर्जापुर शहर में स्टील फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर कार्यरत, और छोटा बेटा जो विनोद है वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। और इधर में एक सदस्य और है, वो कौन है? वही हमारा बेटा विनय कुमार मिर्जापुर में एक अनाथ लड़की से शादी कर लिया। जो बहू आई है हमारे घर में, जिसका नाम है बिजली रानी, और जो बिमला बेटी है वो अपनी भाभी के साथ उसके कामों में। मैं दिन रात यही सोचता रहता हूं कि कौन सी ऐसी चाल चलूं, मैं कौन सी ऐसी चाल चलूं कि ये सेठ शंकर लाल की पूरी रियासत मेरे लिए। बरखुरदार नीरज कुमार, उठ जाओ, उठो। नहीं, हम अपने आप को बुला रहे हैं। या आजा बेटे। यस आबे। सरल कहता है कुछ करवाऊंगा का। बाबू साहब कौनो कौनो बिया दिया है का? जब जब बात बात यह है कि जिस वक्त सुषमावती का मैं मर्डर किया था,
मटर 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 नहीं चना था रे, मर्डर यानी कि कत्ल उसका मैं किया था। तू अकेला गवाह है, ये तेरा भी मुंह मैं बंद कर चुका हूं पैसे देके। हाँ, अब अगर किसी बच्चों को बताया कि तेरे बाप का और तेरी माँ का हत्यारा कोई और नहीं कंसराज है, तो समझ लेना नीरज कुमार की तुम इस दुनिया के बजाय उस दुनिया। बाबू साहब हम कुछ बताओ ना, कुछ बताओ ना, लेकिन बात आई तो कही थी। अब चले बताएगा नहीं, वक्त आने पे कह देगा तू नहीं बे, देख वक्त हो चुका है कमला रानी से मुलाकात करने का मेरा। कमला रानी हमारा इंतजार कर रही होगी शयन कक्ष के अंदर में। कैसे कैसे चलते चलते कहने के, अरे लुटा दो बाप की दौलत रवानी उसको कहते, अरे लगा दो आग पानी में, क्या लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते। गुरुजी एक ही गजल नहीं ले छोड़ते कि मतलब के जमाने में अपने भी बदल जाते हैं, और जिन पर तारो भारो वही अपने घर को जलाते हैं। कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, 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 पहचानते नहीं वो जा रहे हैं, वो जा ऐसे जैसे जानते नहीं वो जा रहे हैं, ए आगे शैम्पू डॉक्टर साहब उनके मामा जी उमेश उमेश भैया की तरफ से इस गाने को सुनते हुए
ए भाई हम गाना कहा गावत नहीं, हम तो इसे बरबराद नहीं बस पगल के नहीं। 21 भैया को नमस्कार, कौन सीन देखा कैसे आ रहे हैं।